कब्रिस्तान एक कहानी। एक आईपीएस अफसर था, उसका नाम सूरज था। उसका नए जगह तबादला हुआ। उसे ऑप्शंस दिए गए कि सूरज किस तरीके के आवास में रहना चाहता है। सूरज ने शहर से थोड़ी दूर एक आवास चुना जो पेड़ पौधों के बीच था। सूरज का ऐसा चुनाव इसलिए था क्योंकि वह प्रकृति से प्रेम करता था। सूरज अपने नए आवास पर चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आवास के ठीक बगल में एक कब्रिस्तान है। वहाँ एक बोर्ड पर लिखा था, यहाँ आज तक लाश जलाया नहीं गया और ना ही कभी जलाया जाएगा। यह पढ़कर सूरज को गुस्सा आ गया। उसने कहा, फिर यह कब्रिस्तान कैसे हुआ? उसने कुछ लोगों से कहकर वहाँ मिट्टी भरवा दिया व कई सारे छोटे छोटे पौधे लगवा दिए। जब रात को सूरज सोया तो उसने सपना देखा कि किसी ने पेड़ पौधों को आग लगा दिया है, जिसके कारण वो राख में बदल चुके हैं। इस सपना को देखने के बाद वह सुबह उठा तो उसके बिस्तर पर राख मिली। वह आश्चर्यचकित होकर उस कब्रिस्तान की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि किसी ने उसके पौधों को जला दिया है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो ये सोचने लगा कि जरूर कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए उसने उस दिन सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया कब्रिस्तान व अपने घर के अंदर भी। उसने फिर से पौधे लगवा दिया। इस रात जब वह सोया तो उसने सपना देखा कि पौधे पेड़ में बदल चुके हैं, वह उनकी जड़ें सूरज को पकड़ के जमीन में खींच रही हैं। वह सपना इतना भयानक था कि सूरज का नींद खुल गया। उसी रात को वह उस कब्रिस्तान में गया। वहां उसने देखा कि किसी ने पौधों को उखाड़ दिया है। जब उसने सीसीटीवी देखा तो कुछ नहीं मिला, वह जाकर सो गया। जब सवेरे उठा तो उसके बिस्तर पर एक पौधा मिला। वह गुस्से में आग बबूला हो गया क्योंकि सीसीटीवी में भी उसे कुछ नहीं मिला था। उसने फिर से पौधे लगवाए। जब वह इस रात को सोया तो उसने सपना देखा कि वही दानव बन गया है, वह उन पौधों को खा रहा है। अब इसके आगे क्या होता है यह हम अगले पार्ट्स में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।